Shine bright up all night. We're never slowing down. Can you hear my heartbeat calling? Can you feel the love we're falling? Just take my hand and take me home tonight. Fall in love, drunk mistake. गाइज हम कॉफी हाउस आ गए, लेकिन सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग ये है कि यहाँ पे रोड पे इतने सारे काऊ है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे वो काऊ इसलिए है कि दे आर वेटिंग। तुम्हारा गौशाला वाला वीडियो देखा है? मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितने सारे काऊ है। तो मेरे जैसे जो काऊ से डरते है वो तो यहाँ पे थोड़ा बच के ही आए। अरे कोई नहीं डरता, ये काऊ से डरती है, काऊ लोग इससे डरता है। मजाक चल रहा है ये, शट अप। सो गाइज हम कॉफ़ी हाउस आ गए और देखिए बाहर रास्ते पे रोड पे ही कितने सारे गाय हैं। सो अमित लव्स काऊ, इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गाय के बच्चों के साथ खेलना, बट पता नहीं मुझे बहुत डर लगता है। कॉफ़ी हाउस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिस इज़ वेरी गुड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा है कॉफ़ी हाउस का एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। अंदर का जो इंटीरियर है वो पुराने कॉफ़ी हाउस से मिलता जुलता है, बट यहाँ पे एक मॉडर्न टच दिया गया है। दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग। भीड़ जो है वो बढ़ता ही जा रहा था, इट वॉज़ एक्सट्रीमली क्राउडेड। हमने कैपुचिनो ऑर्डर किया था, सैंडविच ऑर्डर किया था, वेज सैंडविच एंड वेज नूडल्स, हक्का नूडल्स। हम फ़ोटो क्लिक करने के बाद खाना शुरू किए। तो सबसे पहले शुगर क्यूब्स हमने कैपुचिनो में डाला। इट वॉज़ नॉट सो गुड, इट वॉज़ वेरी नॉर्मल, बहुत ही डिसेंट टेस्ट था, मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं की सच बताऊं तो। और हक्का नूडल्स वॉज वेरी प्लेन, बहुत ही सिंपल था एंड सैंडविच बहुत ही ठंडा था, बिल्कुल भी गर्म नहीं था। कैपाचिनो का जो कॉस्ट था वो 50 रुपीज़ था, हक्का नूडल्स का 150 रुपीज़ एंड सैंडविच का 50 रुपीज़। यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन बना था लाइब्रेरी के लिए, जहाँ पे आप बहुत कुछ स्टडी कर सकते हो अबाउट कोलकाता एंड अबाउट इंडिया। और बहुत सारे बंगाली बुक थे जिसमें मैंने ठीक से देखा नहीं। ऊपर एक सेक्शन भी था जहाँ पे आप सीढ़ी से चढ़ के जा सकते हैं। अगेन इंटीरियर बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। यहाँ पे भी सीटिंग अरेंजमेंट थे, आप बैठ के फूड अपना एंजॉय कर सकते हो। द स्टाफ्स वेर वेरी अमेजिंग, बहुत ही अच्छा था एंड इट वॉज अ गुड स्टे ओवर हेयर। सो गाइज अगेन आपको बाहर से एक ग्लिम्स दिखाते रहे हैं। यहाँ पे गार्ड भी खड़े थे और यहाँ पे बाइक पार्किंग और कार पार्किंग ऑपोजिट में था जहाँ पे हमने हमारा कार रखा हुआ था। सो इट वाज एक्चुअली अ डिसेंट एंड नाइस टाइम वी स्पेंट ओवर हियर। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती, फूड वॉजंट एट ऑल गुड। तो गाइज वी आर बैक फ्रॉम कॉफी हाउस एंड अमित जल्दी से रिव्यू दीजिए, जल्दी। नहीं ठीक है, अभी आज हम लोग का वेजिटेरियन डे था तो ओवरऑल मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, खाने को लेकर के तो मज़ा नहीं आया। प्लेस अच्छा है, विजिट करने के लिए बहुत ही अच्छा है प्लेस, बट ना खाने में मज़ा नहीं आया। सो गाइस आई डोंट नो व्हाई पीपल आर विजिटिंग, बट ठीक है, देयर आर पॉश पीपल हु आर कमिंग ओवर हियर बाय देयर कार एंड दे आर यू नो लाइक यहाँ पे आ रहे खा रहे। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्या फूड क्वालिटी है, बिकॉज इट इज वेरी नॉर्मल। हाँ एक बहुत अच्छा चीज है कि प्राइस भी बहुत डिसेंट है, प्राइस बहुत हाई नहीं है, बट द फूड इज ऑल्सो लाइक नो कमेंट। मुझे तो ऐसा लगा कि ना वो हाइजीन के हिसाब से उन लोगों ने बिल्कुल ही मतलब कोई मसाला वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया है, बहुत ही सिंपल फूड था। और ठीक है यार, मतलब यू कैन सी आवर एक्सप्रेशन दैट वी आर ओके। और अभी भी हमें बहुत भूख लगा है, तो अब हम कोई अच्छी लोकेशन पे जाएंगे। नेक्स्ट लोकेशन कहाँ जाते हैं जैसे ही पहुंचते आपको बताते हैं। सो गाइज हमारा सेकेंड डेस्टिनेशन है मिस्टी हब। यहाँ पे आपको कोलकाता की जितनी भी ब्रांडेड या फिर जितने भी पॉपुलर मिठाई के शॉप है ना वो सब एक ही जगह पे मिलेगा अंडर वन रूफ। तो हम यहाँ पे आए और हमने सबसे पहले ये स्वीट लिया था और सबसे पहले मैं ट्राई कर रही हूँ बेक्ड रसगुल्ला। इट वॉज़ वेरी यम। इसका कॉस्ट 40 रुपीज़ था, तो एक डिसेंट प्राइस था और काफ़ी अच्छा था। आप यहाँ पे आके ना डिफरेंट स्वीट्स ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है और मीठा बंगाल के लोगों को बहुत पसंद है, इवन जो बाहर से आते हैं उन्हें भी। तो दिस इज़ वन स्टेप जहाँ पे आप सारे तरह के मीठा खा सकते हो। ये है मिहिदाना केक जिसमें गुलाब जामुन था, मिहिदाना था और नीचे की तरफ केक था। सो द केक वॉज वेरी सॉफ्ट और मीठा तो ऑफकोर्स बहुत टेस्टी था। तो दिस वॉज ऑल्सो वेरी गुड और मुझे खा के बहुत अच्छा लगा। एंड सीरियसली यहाँ पे जितने भी शॉप है ना सारे के मीठा काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थे, कुछ भी बासी नहीं लगा क्योंकि हमने बहुत ही रैंडम चूज़ किया था और एक साथ हम बहुत ही कम मीठा खाया, बट एक साथ इतना सारा स्वीट ना कुछ ज़्यादा ओवरलोडेड हो गया था। ये हमने लिया था बेक्ड मिहीदाना, तो मिहीदाना इज़ वेरी पॉपुलर ओवर हियर, तो मैंने ऑर्डर किया था एंड ये हमें गर्म करके दिया गया था। तो ये भी खाने में बहुत अच्छा लगा, मतलब इट वॉज़ क्वाइट डिफरेंट और बहुत ही रबड़ी के जैसा टेस्ट आ रहा था, बहुत अच्छा था। आप लोग को ये सारे स्वीट ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हमने ढोकला भी ट्राई किया था एंड दिस वाज बेक्ड दोही, बट इस बेक्ड दोही में बात ये था ना कि वो ठंडा नहीं था। तो ढोकला मुझे अच्छा तो लगा, बट इसमें चटनी था ना, तो हम इतना मीठा खा रहे थे कि अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा ही मुँह मीठा हो गया था। तो इट वॉज ऑल्सो वेरी गुड, बहुत एयरी, बहुत स्पंजी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बट दिस वॉज नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू टेस्ट। और बेक्ड दोही जो था वो बहुत अच्छा होता अगर वो ठंडा होता, इन्होंने बाहर रखा था, इट वॉज़ वेरी फ्रेश, बहुत ही फ्रेश था, लेकिन ये ठंडा नहीं था तो इसलिए मुझे थोड़ा कम अच्छा लगा। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है डिफरेंट शॉप्स की। एंड दिस वाज द इंटीरियर, बहुत अच्छा था, यहाँ पे बहुत क्राउड हो रहा था। हिंदुस्तान स्वीट है ये, यहाँ पे भी बहुत कुछ था बट हमने कुछ लिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम स्वीट से ओवरलोडेड हो गए थे और हमें कुछ खाना था। यहाँ पे हल्दीराम भी है, तो ओवरऑल इट वॉज़ अ गुड प्लेस जहाँ पे आप आ सकते हो, चिल आउट कर सकते हो फैमिली के साथ, एक अच्छा इंडियन डेजर्ट टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दिस इज़ मी ऑफ कोर्स। सो गाइज वी आर बैक फ्रॉम मिस्टी हब और मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी शॉप नहीं था उसमें जो हम लोग पहले नहीं खाए हैं, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ शॉप है। तो बेसिकली ये शॉप ऑलरेडी काफी पॉश था और यहाँ पे एक साथ होके एक अलग लेवल का पॉश बन गया कि एवरीबडी इज कमिंग बाय देयर कार एंड वो एंजॉय कर रहे हैं स्वीट्स, बट एक साथ इतना सारा मीठा खाना इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। तो हम मतलब बहुत ही कम मीठा खाए, बहुत कम मीठा खाए, फिर भी हमारा मुँह मीठा मीठा हो चुका है और हमारा मुँह काफी ज्यादा मीठा हो गया। बट कहने का मतलब ये है कि सुबह से अभी तक हमने ढंग का कुछ नहीं खाया, स्टिल वी आर वेरी हंग्री। बट ओवरऑल यहाँ पर के सारे मिठाई ऑफ कोर्स अच्छा ही था क्योंकि सारे ब्रांडेड थे, तो हाँ एंड सारे हमारे फेवरेट शॉप के ही थे। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। हमने जो भी मीठा लिया ना वो सारे फेमस वाले थे, तो आप भी यहाँ आके ट्राई कर सकते हो, बट एक साथ इतना मीठा खाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। सो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन पैक फॉर योर फैमिली और आप घर जाके एंजॉय कर सकते हो। सो अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन चलते हो। नेक्स्ट डेस्टिनेशन बहुत ही ज्यादा गजब का होने वाला है, तो लेट्स गो। सो गाइज अब हम आए हैं धमसा ट्राइबल किचन, जहाँ पे आदिवासी का खाना मिलता है और ये जगह हमें खींच के ले आया कि शायद हमें कुछ अच्छा लंच मिलेगा, बट आगे क्या हुआ आप देखिए। बस आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं क्या? खुशी के देख खुशी के आंसू। ओह गॉड, अभी निकिता पैदल चल के जाने वाली है, उसको पता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको अलाव नहीं है खाने के लिए। गाइस हम लोग एक ऐसा जगह आया है ना जहाँ पे आदिवासी का खाना मिलता है, आदिवासी स्टाइल में, आदिवासी। दिस इज सो पॉश एरिया कि यहाँ पे लोगों को ऑफलाइन बुकिंग कराना पड़ता है, ऐसा बुकिंग तो मैरिड आईटीसी में भी इतना ज्यादा नहीं है। एंड आ करके करवाना पड़ता है, वो मना कर रहा है, बोला ऑनलाइन नहीं होता है, बोला नहीं ऑनलाइन नहीं होता है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सिर्फ चेक करने के लिए, हमें पता है कि हमें वहाँ खाना नहीं मिलेगा, फिर भी हम जा रहे हैं। हाँ और इतना मतलब हंस हंस के ना मेरे आंसू आ रहे हैं और मुझे भूख भी बहुत लगा है, पता नहीं आज क्या है। और नॉनवेज के चक्कर में, वेजिटेरियन के चक्कर में हम लोग इतना घूम रहे हैं। अगर नॉनवेज खाना होता ना सीधा सीधे बारबेक्यू नेशन या एब्स बारबेक्यू चले जाते, बुफे खा के आ जाते, मजा आता ना। हाँ कितना अच्छा प्लान था, बस वेज बुफे हमें नहीं खाना था, इसी वजह से हम इतना घूम रहे हैं। नहीं वेज बुफे में अच्छा ऑप्शन नहीं मिला, सारा अभी रिव्यू खराब चल रहा है, इसलिए पैसा वेस्ट हुआ। ठीक है चलो चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइज द इंटीरियर इज वेरी नाइस, ये हाफ तबला शेप में है जिसके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट है और बाहर ऐसे फोटो क्लिक कराने का जगह है, बट हमें यहाँ पे खाना नहीं मिला। आप देख सकते हैं ये सारे उदास है, सारे के सारे लोग सैड। सो गाइज नहीं मैं बोलूँगा आई एम सो एक्साइटेड, मतलब आई एम फुल हंग्री, आई एम फुल ऑन हंग्री। We are full of hunger. अरे ठीक है यार, hungry चलेगा, अभी तो hungry चलेगा। So guys हम लोगों को खाना नहीं मिला यहाँ पर, मुझे कुछ खाना खिला। एंड यहाँ पर ना इवनिंग स्नैक्स के लिए भी बुकिंग चल रहा है, तो मतलब और मैंने पूछा कि बस ऑनलाइन कुछ है क्या ऑप्शन, तो द लेडी सेड शुरू नहीं हुआ अभी, नो ऑप्शन, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपको ऑफलाइन ही बुक करना पड़ेगा। आपको खाना है कि नहीं तुरंत तुमने पूछा ना आपका अभी बुकिंग करना है कि नहीं, नहीं नहीं छोड़ दीजिए, इवनिंग का टाइम नहीं है अभी, अभी हमें खाना चाहिए। गाइस एक चीज़ है कि हम लोग आज बहुत धांसू जगह गए, लेकिन हर जगह धांसू सिर्फ रूप से है, नहीं धांसू क्या रूप से है, अब ऐसी जगह लेके गई जहाँ पर पूरे स्वीट शॉप ही है, तो वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारा मिठाई खाया, अच्छा लगा था हमें, बट इतना ज़्यादा मिठाई खा ले, अभी कुछ खाने का मन है नमकीन टाइप का, हाँ। कुछ भी है ना, चरखा टाइप वट इज चरखा, पागल बंद करो, चलो केक है। और ये मैकडी से हमने बर्गर, मैक पफ और फ्रेंच फ्राइज ये केक मैंने अपने पैसे से मंगाया है। क्यों ये? और ये मैंने जो भैया ये लेकर आया ना, वही भैया से मैंने रिक्वेस्ट किया ये लाने के लिए, तो वो ये लाते लाते वो रास्ते से इसका प्लान नहीं था। ये मैकडॉनल्ड्स से ये भी मंगवाई, ये प्लेट भी मंगवाई क्या? नहीं, ये ट्रे मेरा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है मैकडॉनल्ड्स से प्लेट भी मंगवाई। बोलो। हाँ चलिए कट कीजिए। So guys, this is my birthday. Yeah, and because I wasn't feeling well, तो इसी वजह से मैंने केक मंगा लिया। But we can enjoy cake and burger and everything. मैं कुछ बनाई नहीं, but हम लोग इसको enjoy कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो केक काटो। What about birthday surprise? Oh, so guys, एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अमित को बर्थडे गिफ्ट मिला है YouTube की तरफ से। So guys, मेरा जो बर्थडे गिफ्ट है ना, वो हमें YouTube ने दिया है, एक्चुअली हम दोनों को मिला है वो। तो वो है कि हमारा जो जस्ट मैरिड वाला चैनल है, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो मोनेटाइज हो चुका है ना। मोनेटाइज का मतलब क्या है, थोड़ा सा बताएंगी? सो गाइस, चैनल मोनेटाइज हो गया, यानी इसका मतलब ये होता है कि अब इस चैनल पे कुछ टाइम के बाद एड्स आना शुरू हो जाएगा और इसमें से भी अर्निंग शुरू होने वाला है बहुत ही जल्द। और ये फ्रेंच फ्राइज खाते हुए, अभी तक मैंने नहीं छुआ, आई वाज वेटिंग फॉर यू। फ्रेंच फ्राइज नरम हो रहा है, इसको प्री हीट, मतलब सॉरी हीट करके इसको पेरी पेरी मसाला के साथ मिक्स करना है। जल्दी से पहले केक काटो, दैट वी विल ईट। सो गाइस, इसका मतलब कि इस चैनल से भी हमारे अर्निंग शुरू हो जाएगा, दैट्स इट। तो चलिए अब केक कटिंग शुरू करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू अमित, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे गॉड ब्लेस यू। चॉकलेट केक बहुत अच्छा है, God bless you, बहुत अच्छा है। Happy birthday dear Amit। ये कौन खाएगा? कौन? मेरे खाने वाले हैं। और भी लगा है, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस स्पेशल सरप्राइज। हम लोग पूरा दिन भर साथ में ही थे एंड अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा निकिता को एक्चुअली दोपहर से ना सेकेंड हाफ से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, एक्चुअली हम लोग कहीं गए थे एंड हम लोग वापस आ गए हाँ। है ना, बट फिर अभी डिसाइड किया कि यार कुछ ऑर्डर कर लेते हैं हल्का फुल्का। तो हाँ, तो मैकडी तो पता था हाँ। बट ये केक सरप्राइज था, केक सरप्राइज था मेरे लिए। ये देखिए केक खाने जा रहे हैं। तो हम जल्दी से बर्गर भी एंजॉय करते हैं, आपको जल्दी से इसका रिव्यू दिखाते हैं कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। और ये कॉम्बो मील है तो ये भी दिखाते हैं और फिर उसके बाद खाते हैं। सो गाइज, ये मैकडी का पेरी पेरी मसाला और ये फ्रेंच फ्राइज। तो हमें इसे इस तरीके से फाड़ना है, ठीक है। और यहाँ पे ये शेकर दिया हुआ है। वाह यार, शेकर भी दिया हुआ है हाँ, ठीक है। इसमें हमें इस मसाले को डालना है इस तरीके से पूरा हाँ, ओके। और फिर ये फ्रेंच फ्राइज इसमें डाल देना है। वाह। और फिर इसे ऐसे पलट के ये हो गया। अरे वाह यार, कलर तो पूरा चेंज हो गया। मसाला इसमें पूरा लग गया। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी आप एंजॉय कर सकते हो। तो टेस्ट में चेंज आया। सो गाइस, ये है पिज्जा मैकपफ। ये भी खोल के दिखा देते हैं। सो गाइस, ये मैकपफ है और इसके साथ वेज बर्गर। वाओ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वेज बर्गर बट स्टिल इट्स ओके, ओके टू मी। Now we are going to enjoy our meal और हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस। बाय बाय।